सलमान, मुझे बात करनी है तुमसे। मेरे पास टाइम नहीं। जरूरी बात है। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या तमीज है अरुज? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई दूसरे के कमरे में दाखिल होने की? मुझे आपसे दो टोक बात करनी है। तुम करोगी मुझसे दो टोक बात? हाँ, क्योंकि मैं दो टोक बात करने की आदी हूँ। आवाज नीची रख के बात करो। जब मेरी मसलियत को मेरी कमजोरी समझा जाए तो आवाज ऊंची करनी ही पड़ती है। जाओ यहाँ से अरुज, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में कोई सख्त अल्फाज बोल दूं। हाँ तो कहिए ना, क्यों नहीं कहती आप? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके दिल में है क्या। बंद कमरों के पीछे जो बात की जाती है ना, वो साजिश कहलाती है, मगर सच हरगिज नहीं होता। बोले क्या है आपके दिल में, कहिए मेरे मुंह पे। किसी को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने की। तुम अपनी दुश्मन खुद हो। क्या क्या देख रही हो ऐसे? तुम अपनी दुश्मन खुद हो। मेरा बेटा सलमान जैसे बड़े शख्स ने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया और तुमने उसे अपनी असलियत दिखा दी। असलियत? अच्छा, क्या असलियत दिखाई है मैंने? जरा मुझे भी पता चले। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जैसी लड़कियों से कोई बात की ही नहीं जा सकती, बल्कि उनकी माँ को कोसा जाता है जिन्होंने तुम जैसी लड़कियों को पैदा किया होता है। मेरी अम्मी के लिए कुछ मत कहिएगा। इसलिए तो बोल रही हूँ कि मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो अपनी माँ पे उंगलियां उठाने का लोगों को मौका देती हैं। जाओ यहां से, आप जाओ। पता नहीं किन माओ की औलादें होती हैं ऐसी। इस लड़की